क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा के अपना रिकॉर्ड तोड़ने से रोक पाएंगे? क्या बिगी तीन बड़े सुपरस्टार के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन कर पाएंगे? क्या पॉल हेमन यहाँ कुछ बड़ा करने वाले हैं और किसका साथ देंगे? क्या क्या दिखने वाला है WWE के PPV डे वन में? सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। अब डे वन PPV WWE का साल 2022 का पहला PPV होने वाला है, जो कि 2022 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 को होने वाला है। WWE ने इस PPV के लिए अब तक 7 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं और उम्मीद है एक मैच और कंफर्म होगा आने वाले रॉ के एपिसोड में। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मैचेस के बारे में। फर्स्ट मैच हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस मॉस के बीच देखने को मिलेगा। दोनों के बीच ये सिंगल मैच बुक हुआ है। शायद फैंस को उम्मीद होगी कि WWE या ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कॉर्बिन को बुक करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब पिछले कुछ वीक से ड्रू मैकइंटायर मॉस और कॉर्बिन के खिलाफ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब ड्रू मैकइंटायर ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको WWE पे-पर-व्यू मिस नहीं करा सकती। शायद इसलिए ही WWE ने ड्रू मैकइंटायर को ऐसे मैच में बुक करा है। मॉस की साइड से भी ड्रू मैकइंटायर को अच्छी टक्कर मिलती दिखाई देगी, बट मैच ड्रू मैकइंटायर के लिए आसान होने वाला है। कॉर्बिन की साइड से इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को इंटरप्शन भी झेलना पड़ेगा, बट जीत यहां ड्रू मैकइंटायर की होती दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट मैच हमें आरके ब्रो वर्सेस अल्फा एकेडमी के बीच दिख सकता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। ये मैच अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब प्लान्स में चेंजेस हुए हैं क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स के फॉर्ड मैच लड़ने की कंडीशन में नहीं है। वैसे WWE का ओरिजिनल प्लान ये था कि आरके ब्रोनामेंट जीत के स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रे मिस्टीरियो डोमिनिक के बीच मैच होता, जो टीम जीतती वो फेस करती आरके ब्रो को। बट पिछले 2 हफ्ते से आरके ब्रो अल्फा एकेडमी के खिलाफ सिंगल मैचेस में दिखाई दे रहे हैं। मैच ठीक ठाक ही होगा। वैसे गेबल और ओटिस की साइड से अच्छी टक्कर चैंपियंस को यहां मिलती दिखाई दे सकती है, बट सबको पता है जीत यहां किसकी होगी। जीत यहां आरके ब्रो की होगी और वो यहां टाइटल बचा ले जाएंगे। नेक्स्ट मैच हमें सैमी ज़ेन वर्सेस नाकामुरा के बीच इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखेगा। अब इन दोनों सुपरस्टार के मैच के बुक होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। रीजन साफ है क्योंकि नाकामुरा अपने पार्टनर रिक बुक्स के साथ गार्जा और कार्लियो के साथ फ्यूड में लगातार दिखाई दे रहे थे, बट WWE ने रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में 12 मैन गॉन्टलेट मैच करवाया जिसे सैमी ज़ेन ने जीता और अब वो नाकामुरा को फेस करेंगे टाइटल के लिए। नाकामुरा को चैंपियन बने हुए भी काफी टाइम हो गया है, बट उनको WWE कुछ खास बुकिंग नहीं दे पाई एज अ चैंपियन। अब सैमी ज़ेन के लिए बड़ा मौका है। आपको शायद याद हो तो पेंडेमिक के दौरान WWE ने सैमी ज़ेन से इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल वापस ले लिया था, उसके बाद अब जाके उन्हें चांस मिला है। मैच अच्छा दिखेगा जिसमें मजा बहुत आने वाला है। अब बात आती है जीत की, तो जीत यहाँ सैमी ज़ेन की होती दिखाई दे सकती है। रीजन साफ है, नाकामुरा एज अ चैंपियन इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कुछ WWE और कुछ नाकामुरा ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट मैच हमें उसोस वर्सेस न्यू डे के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। अब WWE ने इनके बीच इस PPV के लिए जल्दी मैच अनाउंस कर दिया था। अब ये पहली बार नहीं है जब ये दोनों टीम्स आपस में टैग टीम टाइटल्स के लिए बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इससे पहले काफ़ी बार ये दोनों टीम्स WWE में टैग टीम फ्यूड में दिखाई दे चुकी हैं, तो केमिस्ट्री तो इन दोनों टीम्स के बीच जबरदस्त और अच्छी होने वाली है। आई होप मैच इनके बीच अच्छा दिखेगा। अब करंट फ्यूड की बात करें तो इस PPV से पहले भी इन दोनों टीम्स के बीच कुछ मैच दिख चुके हैं। अब बात आती है विनर की, तो जीत के चांसेस यहाँ 50-50 के लग रहे हैं। वैसे मुझे लगता है न्यू डे यहाँ चैंपियंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट मैच हमें एज वर्सेस द मिज के बीच सिंगल मैच दिखेगा। रॉ ब्रांड में ड्राफ्ट होने के बाद एज अब मिज के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब तक जो कुछ इनके बीच दिखा है वो ठीक ही है, जिसमें मिज के साथ उनकी वाइफ मरीज भी शामिल हैं। लगातार 2 हफ्ते मिज ही एज पर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। अब वही मुझे उम्मीद है कि PPV से पहले बचे हुए रॉ के एपिसोड में हो सकता है कि एज की वाइफ बीथ फोनिक्स भी दिखाई दें, जिसके बाद हो सकता है कि ये मैच मिक्स टैग टीम मैच बन जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में ऐसा मैच इनके बीच जरूर दिखेगा। अब मिस काफी क्लेवर सुपरस्टार में से एक है, तो मैच अच्छा और जबरदस्त दिखेगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। वहीं बात आती है विनर की, तो जीत यहां एज की होती दिखाई देगी। नेक्स्ट मैच हमें बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। अब इन दोनों वुमेन्स के बीच फ्यूड अच्छी दिखाई दी है।
मॉर्गन ने काफी इंप्रेस करा इस फ्यूड में, बट बैकी लिंच को अपर हैंड अब तक मॉर्गन पर मिला है। वहीं बैकी लिंच वापसी के बाद से उतना इंप्रेस नहीं कर पा रही हैं जितना कि वो पहले करती थी। रीजन साफ है, वो काफी ज्यादा वेट लॉस करके लौटी हैं, जो कहीं ना कहीं उनमें कुछ मिसिंग सा दिखाता है और वो कुछ खास इंप्रेस अब नहीं कर पा रही हैं एज अ चैंपियन। अब इस मैच में लिव मॉर्गन के पास केवल ये मौका होगा कि वो बैकी लिंच के खिलाफ अच्छे से शाइन कर पाए, और इससे ज्यादा उनके लिए इस मैच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीत इस मैच में बैकी लिंच की होने वाली है। वो यहाँ लिव मॉर्गन को हरा के टाइटल बचा ले जाएंगी। अच्छा होता अगर मॉर्गन जैसे सुपरस्टार को भी चैंपियन बनने का मौका मिले। नेक्स्ट मैच हमें WWE चैंपियनशिप के लिए बिग ई वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशले के बीच फैटल फोर वे मैच दिखेगा। ये मैच PPV का वन ऑफ द बेस्ट मैच में से एक होने वाला है। वजह साफ है, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशले और केविन ओवंस जैसे सुपरस्टार इस मैच में शामिल हैं। वहीं बिग ई जब से WWE चैंपियन बने हैं वो कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही रॉ को कुछ फायदा हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा काफी ज्यादा हॉल ऑफ फेमर ने कहा है। स्टोरी लाइन अच्छी दिख रही है, वो भी केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस की वजह से, और बॉबी लैशले इसमें शामिल हुए तो मजा और बढ़ गया है, जिस वजह से बिगी WWE चैंपियन होने के बावजूद इन तीनों सुपरस्टार के पीछे कहीं ना कहीं दबे हुए से लग रहे हैं। वैसे मैच अच्छा दिखेगा इन सभी के बीच। टाइम टाइम पे केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस मिलके इन दोनों सुपरस्टार में मार लगाएंगे। अब बात आती है जीत की, तो जीत यहाँ बिगी की हो सकती है, वो शायद टाइटल यहाँ बचा ले जाए। अच्छा हो अगर टाइटल यहाँ चेंज होता दिखाई देगा। नेक्स्ट मैच हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। ये इस PPV का मेन इवेंट मैच होगा और फैंस सबसे ज्यादा वेट इस मैच के लिए ही कर रहे हैं। अब इस मैच के लिए इनके बीच जबरदस्त फ्यूड देखने को मिली है, जिसमें अब तक ब्रॉक लेसनर को ही अपर हैंड मिला है। अब देखते हैं PPV से पहले WWE रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर पर हावी होने का मौका देती है या नहीं। वहीं इस मैच से पहले रोमन रेंस का पॉल हेमन पर अटैक करने की वजह से इस मैच का एक्साइटमेंट लेवल जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। वजह साफ है, क्योंकि जीत यहाँ किसकी होगी किसी को कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। दोनों के बीच 50-50 के चांसेस हैं। मैच अच्छा, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर होगा, क्योंकि दोनों के बीच अब तक हमें ग्रेट केमिस्ट्री देखने को मिली है। अब बात आती है जीत की, तो जीत यहाँ रोमन रेंस की होने की उम्मीद लग रही है, बट WWE ब्रॉक लेसनर को डायरेक्ट रोमन रेंस के खिलाफ से हार से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये कुछ मैचेस थे जो हमें डे वन PPV में देखने को मिलने वाले हैं। अच्छी बात ये है कि इस PPV में 3 से 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें 50-50 के चांसेस नजर आ रहे हैं, और खास बात ये है कि ये टाइटल मैचेस हैं। अच्छा होता WWE यहाँ कुछ मैचेस को किसी स्टिपुलेशन के साथ कराती। अब देखते हैं PPV में क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।